हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक और प्यारा सा डिजाइन जिसको मैंने ट्राई कलर में बनाया हुआ है। अगर आपके पास बूल बच जाती है उसे भी आप बना सकते हो उस ब्यूटीफुल से डिजाइन को, स्वेटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए देखिए आपने रखने हैं 4 के मल्टीपल में फंदे, प्लस आपको रखने हैं 3 फंदे एक्स्ट्रा। 4+3 आपको रखना है, जैसे कि मैंने यहां पर लगाए हैं 15 स्टिचेस, 15 इसलिए 4 से गुणा करके 12 और प्लस उसमें 3 करके 15 फंदे मैंने यहां पर डाले हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा डिजाइन है, अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इस डिजाइन को ट्राई कर सकते हो। तो रो 1 राइट साइड से सीधी तरफ से पहली रो का बुनना हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली ही रो में देखिए क्या करेंगे हम, धागा यहां पर चेंज करेंगे। यहां पर मैं लगा रही हूं ग्रीन कलर का धागा, आप जिस भी कलर का लगाना चाहते हो उस कलर का आप लगा सकते हो। तो एक फंदा पहले इस कलर से सीधा बना लिया। अब देखिए, अब हम धागे को आगे लाएंगे, इस धागे को हम आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा बनाया और दो फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए यहां से देखिएगा, क्योंकि यहां से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। फिर देखिए यही हमने बार बार रिपीट करते जाना है, एक फंदे को स्लिप करेंगे और धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। पूरी रो में आपने इसी तरह से करते जाना है। एक फंदे को देखिए, हम ये वाला फंदा, हम एक फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएं। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागे को आगे लाएंगे और ये देखिए ये फंदे हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये पहली रो हो गई है राइट साइड से। अब रो 2 में आ जाइए रॉन्ग साइड से, दूसरी रो उल्टी तरफ से। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा उतारा, फिर 2 फंदे उल्टे, 2, और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको हम यहां पर भी स्लिप करेंगे। और देखिए पूरी रो में हम यही रिपीट करते जाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, जो पिछली रो में हमने उल्टे बनाए वो इस रो में भी उल्टे बनाएंगे और जो स्लिप किया उसको स्लिप भी करेंगे। तो इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे जो हमने स्लिप किया था और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए ये हो गई दूसरी रो भी। तो अब आ जाइए रो 3 में राइट साइड से, तीसरी रो सीधी तरफ से। तो यहां पर फिर से हम धागा चेंज करेंगे, यहां पर मैं लगा रही हूं रेड कलर का धागा, आपके पास जो भी कलर है आप लगाइएगा, उसको आप यूज कर सकते हो। पहला फंदा सीधा बना लिया, धागा चेंज किया और पहला फंदा सीधा बना लिया। फिर देखिए धागा हम पीछे की तरफ ही रहने देंगे, अब आगे वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, अब ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और आगे वाले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए अब जो थर्ड रो है उसमें देखिए जो डिफरेंट कलर का फंदा है वो आपका सेंटर में होना चाहिए। ये 2 फंदे हैं देखिए, व्हाइट कलर का फंदा यहां पर बीच में है, उन तीनों को फिर हमने उल्टा बनाना है। थर्ड रो में हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए 3 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे, देखिए फिर से ये आए। तो आप समझिएगा आपका डिजाइन अच्छा आ रहा है, ठीक सही आ रहा है अगर आपके इस तरह से आते हैं तो, 3 फंदे उल्टे। तो इस पूरी रो को भी देखिए हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है, एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे उल्टे बनाए, 2 और ये 3। लास्ट में देखिए हमारे पास ये 2 फंदे बचेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो ये हो गई रो 3rd भी। अब रो 4 में आ जाइए रॉन्ग साइड से, 4th रो उल्टी तरफ से। तो इसमें देखिए पहला फंदा उल्टा बनाया, अब इसको हम स्लिप करेंगे, जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको स्लिप भी करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो फंदे हमने उल्टे बनाए थे वो हम उल्टे ही बनाएंगे और जिसको हमने स्लिप किया है वो हम स्लिप ही करेंगे। पूरी रॉन्ग साइड की रो में हमने यही करते जाना है। देखिए जो फंदा हम स्लिप कर रहे हैं उसको हमने स्लिप भी करना है और जो फंदा हम बना रहे हैं उल्टा उसको हम उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरह से आपने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 5 में आ जाइए, 5वीं रो सीधी तरफ से, रो 5 राइट साइड से। तो रो 5 में देखिए फिर से हम यहां पर धागा चेंज करेंगे, फिर से हम लगाएंगे ग्रीन कलर का धागा, ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे
और फिर से देखिए यहां पर रो वन हम रिपीट करेंगे। पहली रो सेम, जो फिफ्थ रो है हमारी वो सेम पांचवी रो पहली रो की तरह ही पड़ेगी, जैसे हमने पहली रो बनाई और सेम कलर के धागे से, जैसे हमने पहले कलर के धागे से बनाया था पहली रो। तो देख फिर से देख लीजिए, पहला फंदा सीधा उतारा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, वन टू। अब देखिए दो फंदे उल्टे बनाए, आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे, पहले हम धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये वाला धागा पीछे की तरफ होना चाहिए, फिर हम फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। देखिए यहां पर फिर से देखिए डिफरेंट कलर का फंदा है, वो सेंटर में है और दोनों आसपास रेड है, तो ये तीनों हम उल्टे बनाएंगे। सेम पहली रो की तरह ही हम इस रो को बना रहे हैं, तो इसको आप बना करके कंप्लीट कर लीजिए। थ्री, एक स्लिप किया और लास्ट में दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा, इस तरह से हमने ये पूरी रो बना ली। अब आ जाइए रो सिक्स पर, रॉन्ग साइड से छठी रो उल्टी तरफ से, तो इसमें देखिए फिर से ये हम रो टू की तरह बनाएंगे, तीन फंदे हम ये देखिए वन टू थ्री फंदे उल्टे, जो स्लिप किया था फंदा उसको स्लिप ही करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान सा डिजाइन है, मुझे तो लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये वाला डिजाइन। इस तरह से ये कर लिया, ये स्लिप किया और लास्ट के तीन फंदे भी उल्टे। तो देखिए इस तरह से हमने ये रो सिक्स भी कंप्लीट कर ली। अब रो सेवन पर आ जाइए, सातवीं रो उल्टी तरफ से, सातवीं रो सीधी तरफ से, रो सेवन राइट साइड से। अब इसमें हम लगाएंगे अपने मेन कलर का धागा जिससे हम बीच में बना रहे हैं, देखिए व्हाइट कलर जिसे हमने बॉर्डर बनाया था वो कलर का धागा हम यहां पर लगाएंगे, तो हम करेंगे यहां पर व्हाइट कलर का धागा और व्हाइट कलर के धागे से पहला फंदा सीधा बना लिया, फिर आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे उल्टे। देखिए डिफरेंट कलर का जो मैं बोल रही हूं बीच में होना चाहिए, उन तीनों को हम उल्टा बनाएंगे। थ्री, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप किया, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे। टू थ्री, तो ये पूरी रो भी देखिए हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहां पर हमारी रो थर्ड रिपीट हो रही है, बस धागा अलग है, बाकी हमारी रो थर्ड यहां पर रिपीट हो रही है, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। अब रो एट में आ जाइए रॉन्ग साइड से, तो रो एट रॉन्ग साइड से ये वाली रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सारे फंदे हम यहां पर उल्टे बना लेंगे, जितने भी फंदे हैं रो एट रॉन्ग साइड से पूरी हमने उल्टी बना लेनी है। अब आ जाइए रो नाइन पर राइट साइड से, तो रो नाइन राइट साइड से देखिए पूरी हम ये व्हाइट कलर के धागे से ही पूरी रो ये सीधी बनाएंगे। अब इस रो को पूरा नीट कर लेंगे राइट साइड से और उसके बाद रो टेन रॉन्ग साइड से हम उल्टी बना लेंगे। तो इस तरह से आप ये दो रो कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए रो टेन भी मैंने यहां पर इसकी कंप्लीट कर ली है और यहां पर हमारा डिजाइन हो जाता है ये ओवर। बहुत ही प्रिटी बनता है ये वाला डिजाइन भी। अब देखिए जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए कितना प्रिटी बन रहा है। अब यही 10 रोज हमने रिपीट करते जाना है। डिजाइन तो सिर्फ देखिए चार रो में ही खत्म हो जाता है, वही हम रो 8 तक रिपीट करते हैं, फिर आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपने रो 1 से लेके रो 10 तक कंटिन्यू करना है जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो, तो आपकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्वेटर फिर बनेगी। देखिए जो